नमस्कार। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के किरंदुल में संचालित नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। आदिवासियों के एक बड़े समूह का आंदोलन जारी है। आदिवासियों के इस प्रदर्शन को कांग्रेस, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से आम आदमी पार्टी, सीपीआई जैसे राजनीतिक दल भी समर्थन दे रहे हैं। अडानी की कंपनी को एनएमडीसी के 13 नंबर लोहा अयस्क खदान देने का विरोध लंबे समय से आदिवासी कर रहे हैं। इसको लेकर एक बार फिर से रैलियां भी निकाली जा चुकी हैं और दंतेवाड़ा के बेलाडीला पर्वत श्रृंखला के नजर जो है नंदराज पहाड़, उस पर एनएमडीसी की डिपॉजिट 13 नंबर जो खदान है अडानी को दिए जाने के बाद से ही खनान का जो विरोध है वो आदिवासियों ने शुरू कर दिया है करना। आपको बता दें कि नंदराज पहाड़ को बचाने के लिए सर्वग्राम पंचायत ने आंदोलन की तैयारी की है। आदिवासी इस पहाड़ पर खनन कराने को संस्कृति के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं। उनका कहना है कि खनन के चलते निकल रहे लाल पानी से खेतों को नुकसान पहुंच रहा है और बच्चों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इस पानी को पीने से मवेशियों की भी मौत हो रही है। पानी का बहाव गांव की ओर किया गया है जिससे गांव को नुकसान हो रहा है। इसी मुद्दे पर हम अपनी इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारी खास जो पेशकश है आस्था पर आघात में। अडानी ग्रुप ने सितंबर 2018 को बेलाडीला आयरन और माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BIOMPL नाम की कंपनी बनाई। दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार ने इस कंपनी को बेलाडीला में खनन के लिए 25 साल के लिए लीज दे दी और बेलाडीला के डिपॉजिट 13 में लोह अयस्क जो अयस्क था और खनन के लिए यहां पर वन विभाग ने 2015 में पर्यावरण क्लियरेंस भी दे दिया, जिस पर एनएमडीसी और राज्य सरकार की सीएमडीसी को संयुक्त रूप से उत्खनन करना था। इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार के बीच हुए करार के तहत संयुक्त उपक्रम एनसीएल का गठन किया गया था, लेकिन बाद में इसे निजी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड को 25 साल के लिए लीज पर दे दिया गया है। राज पर्वत पर 13 नंबर खदान आती है जिसे आस्था का केंद्र बताकर खदान बेचने को संस्कृति से खिलवाड़ बता रही। पहली बार किसी आंदोलन को सत्ता पक्ष, विपक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता, नक्सली पंचायतों का समर्थन मिला है, लेकिन निजीकरण की पूरी प्रक्रिया में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार और नई सरकार दोनों का रोल रहा। अब मौका परस्ती की वजह से सभी लोग आदिवासियों को झूठा भरोसा दिलाकर सियासी स्टंट कर रहे हैं। खदान में 350 मिलियन टन लोहा बताया जाता है। इसी खदान की खुदाई शुरू करने के लिए 1 लाख से ज्यादा पेड़ों की बलि दी जाएगी। क्योंकि वो नंदी राज का वो देवस्थली है और वो देवस्थली सारे इस क्षेत्र के सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा के उन तमाम आदिवासी भाइयों का और हम सभी लोगों का एक आस्था का केंद्र है। वहाँ से हमारा देव जन्म होता है। हम उस जमीन के लिए जान दे सकते हैं तो जान ले सकते हैं। लीज की जगह आस्था का केंद्र है जहाँ देवता का जन्म माना जाता है। खदान को बेचने का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि हम फर्जी ग्राम सभा नहीं चलने देंगे। उन्होंने एनडीएमसी पर युवाओं को ठगने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि जब जंगल हमारा, पानी हमारा, सब कुछ हमारा है तो युवाओं की भर्ती बाहर क्यों की जाती है? पहाड़ है, खोज खोज के जो माइन बाहर जा रहे हैं, यहाँ के लोगों को कभी कुछ सुविधा हुआ ही नहीं, उनका कभी कुछ इस तरह का भला हुआ नहीं, फिर क्यों? ऑलरेडी पहले बीज में दे के एनएमडीसी से बहुत बड़ी गलती की, तो आज भी हमारे युवा पीढ़ी का कोई पता नहीं था। तो नहीं चाहते कि अब दोबारा इस तरह का माइन के लिए अडानी जैसे जिंदर जैसे कंपनी आए और हमारे पहाड़ों को। ग्रामीणों का दुख है कि जितने भी पहाड़ हैं उसे खोद खोद कर लोहा बाहर ले जाया जा रहा है। उनका मानना है कि एनडीएमसी को लीज देकर गांव वालों ने बड़ी गलती की। उनका कहना है कि फर्जीवाड़े के तरीके से जो लीज ली गई है उसको देखते हुए 13 नंबर डिपॉजिट की तरह 11 नंबर डिपॉजिट का भी विरोध होगा। ट्रांड एक्सप्रेस के लिए दंतेवाड़ा से पंकज सिंह भदौरिया की रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए रायपुर स्टूडियो में मौजूद हैं गौतम बंदोपाध्याय जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वहीं रामोतार तिवारी जी भी जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही लोगों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से रामोतार जी आपके पास आना चाहूंगा कि एक तरह से एक पूरा धड़ा अलग हो गया, आदिवासी जो लोग हैं वो ग्रामीण एक तरफ हो गए हैं, कई सामाजिक संगठन एक हो गए हैं, कई पक्षों से विपक्ष के लोग एक तरफ हो गए हैं, वहां सरकार एक तरफ है। ये किस तरह से एक तरह से माहौल तैयार किया जा रहा है, इस तरह से जैसे उनके लिए वो आस्था का केंद्र है पर्वत जिसे नंदी पर्वत कहा जाता है
और वहां पर अगर देखें कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और इसका जो आगे आने वाले समय में जो पेड़ों की कटाई का भी जिक्र है, वो कहा जा सकता है कि एक लम्हों ने खता की और सदियों को भुगतना पड़ा, तो ये वो चल रहा है कि आखिर इसके पीछे की वजह किसे माना जाए, इसका दोषी किसे माना जाए? देखिए, जो आदिवासी हैं वो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने धर्म के प्रति रक्षा कर रहे हैं, और वास्तविक में जंगल को जो बचाए हुए हैं वो आदिवासी बचाए हुए हैं। जो अपने अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं उनका राजनीति से अलग हटकर सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। इसके लिए पर्यावरण के दृष्टिकोण से, दूसरी जो है जंगल के दृष्टिकोण से जंगल बचे रहे, तीसरा ये कि हम हर चीज को एक वही धनपतियों को लगातार देते जा रहे हैं, तो इस तरह के गतिविधियां कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, ये एक सवाल समाज के भीतर राजनीतिक दलों के भीतर है। ठीक है, यह बताए क्रिया में अगर NMDC के अधिकारियों से बात करें, दूसरे अधिकारियों से बात करें, तो ये पूरी प्रक्रिया 8 महीना पहले हो चुकी है। जिस तरह से पहले NMDC ने ये सब करने का निर्णय लिया था, फिर बाद में एक टेंडर करके वो कई कंपनियों को बुलाया गया, उसमें अब अडानी को अधिकृत कर दिया गया और अडानी ज्यादा मांग करते हुए अपना टेंडर प्राप्त कर लिया और अब खुदाई कर रहे हैं। तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वहां पर स्थानीय लोगों को इस मामले में बड़ी गंभीरता से देखना होगा कि वास्तविक में हम जो है लगातार अपने खनिज संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, इस दोहन से कितना किसको फायदा है, आप समाज को कितना फायदा है, उन आदिवासी जो वहां रह रहे हैं जो अभी तक लंगोटी में हैं, जिनका विकास हुआ ही नहीं है, उनका कितना विकास हो जाएगा, और किसका जो लेने वाले हैं या जो बनाने वाले हैं उनका विकास किस तरह होगा। इस तरह से विकास, हम हर चीज को विकास के पैमाने से तोलते हैं, ये जो हमारे खनिज संसाधन है उसके माध्यम से विकास तो होगा, परंतु खनिज संसाधनों का समुचित दोहन भी होना चाहिए, मगर दोहन करने के पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आदिवासियों की संस्कृति का, वहां पे पर्यावरण का, वहां के जीवन सभ्यता का लोगों पर कितना असर पड़ेगा, कितना फायदा होगा, इसको दृष्टिकोण रखते हुए अगर सरकार फैसला करेंगी तो ये जनभावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। जनभावनाओं के खिलाफ जाकर अगर आप कोई भी निर्णय होगा तो इस तरह के आंदोलन प्रदर्शन होंगे। बड़ी बात और अच्छी बात यह है कि वहां पर आदिवासी खुद अपनी रक्षा के लिए खड़ा हो रहे हैं, और अब जाके राजनीतिक दल उसका समर्थन कर रहे हैं। हो सकता है राजनीतिक दल अपने फायदे और नुकसान के लिए कल अलग हो जाएं, या जो आंदोलन को विवाद खड़ा कर दें, परंतु दूसरी बात ये देखनी होगी क्या हम अपने संसाधनों का सही तरीके से दोहन कर रहे हैं, या हम कुछ लोगों के हाथ कुछ तरीके से देने की कोशिश में ये सब कर रहे हैं। हम जो भी प्रक्रिया कर रहे हैं किसी आदमी को देने के लिए, किसी संस्था को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, या भारत सरकार को फायदा होगा, या वहां पर जिला प्रशासन को फायदा होगा, या आदिवासियों को फायदा होगा, ये एक चीज सोचना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए, और इस पर समीक्षा होकर इस पर सही निर्णय होनी चाहिए। हो सकता है कि इस आंदोलन के पीछे कोई होगा, अगर कोई तत्व होगा भी, तो सरकारों को, जिस सरकार है, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के, राज्य सरकार के भी जो अब अलग अलग सरकार है, केंद्र में भाजपा की है, राज्य में कांग्रेस की है, तब राजनीतिक दलों के लोगों को इसको अपने राजनीतिक मतभेद को खत्म करते हुए यहाँ आदिवासी इलाकों में, पहाड़ के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, वन आच्छादित क्षेत्रों में हम कैसे ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र का सही उपयोग कर सके हैं, इस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, या हम प्राकृतिक संसाधनों का हम लगातार बेचते रहेंगे कुछ हाथों में
तो इसका फायदा किसको होने वाला है, किस तरह से विकास होगा? अगर सरकारी संस्था को ये दिया रहता, सरकारी एनएमडीसी को दिए रहते, एनएमडीसी इसमें करता तो शायद इतना विरोध नहीं होता। अब जब इसमें एक बड़ी कंपनी जो है अभी सबसे ज्यादा पावरफुल कंपनी के जुड़ने के कारण ये इसका विरोध और बढ़ गया है। बिल्कुल, एक रामता जी बात भी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जिस तरह से लीज पर जमीन दी जाती है उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को अनदेखी की गई यहाँ ग्राम पंचायत का, जिसमें अहम रोल होता है कि जब तक उसके साइन नहीं होते तब तक ये नहीं होता, लेकिन कहा जा रहा है कि फर्जी साइन किए गए, ग्राम पंचायत ने साइन किया ही नहीं। देखिए, ये जितने सारे जो बड़े कंपनियां, बड़े उद्योग अपने जन सुनवाई करते हैं या ठेका लेने के लिए कई समूहों को, प्रशासन को, स्थानीय पंचायत को और जिम्मेदार नेताओं को इस तरह से गठजोड़ बनाकर इस तरह के बड़े बड़े ठेके लेने ले लिए जाते हैं, तो इन ठेकों में उन जो भोले भाले आदिवासी लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनकी कहीं न कहीं छल प्रपंच करके ऐसे चीजें प्राप्त की जा सकती है। इसके जांच पड़ताल के लिए है, जिला प्रशासन है, कोर्ट है, सामाजिक संस्थाओं को सक्रिय होना चाहिए और इसको बारीकी से चेक होनी चाहिए और देखा जाना चाहिए। वहां की जनभावनाओं को अगर सम्मान करते हुए कोई भी काम किए जाते हैं तो वो उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर जनता को, वहां के लोगों को विश्वास में लेके उनकी धार्मिक भावनाओं को, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए अगर कोई बात कह रहा है तो उन बातों को लाभ और हानि से ऊपर उठकर सोचते हुए ये चीजों को देखना होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल गौतम जी, जिस तरह से यहाँ पर खदान का ये पूरा मामला सामने आया है, क्या ये कहा जा सकता है कि कोई भी, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अपने फायदे के लिए किसी की भी आस्था को बेच सकती है या किसी की भी सांसों को छीन सकती है? क्योंकि वहां कहा जा रहा है कि कम से कम 1.5 लाख के तकरीबन पेड़ काटे जाएंगे जब इसकी खुदाई शुरू होगी। नहीं, वो दो तीन मुद्दे हैं। एक मुद्दे ये है कि पब्लिक सेक्टर के हाथ से निकालकर निजीकरण को सौंप देना प्राकृतिक संसाधन, और इस सौंपने की प्रक्रिया में स्थानीय लोगों की निर्णय की जो प्रक्रिया है, स्थानीय लोगों की जो हक की मामला है प्राकृतिक संसाधनों पर, नैसर्गिक संसाधनों पर, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप कानूनन देखें संविधानिक दृष्टिकोण से तो ये पेशा का क्षेत्र है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया एक्ट की इलाका है, इसीलिए इस इलाका में स्थानीय समुदाय से आपने क्या चर्चा हुआ। और दूसरी बात, अडानी जैसे जिसका ट्रैक रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में उतना अच्छा नहीं है, अंबिकापुर में तो वही अडानी को आप दे देंगे, बस्तर क्षेत्र में, दक्षिण छत्तीसगढ़ में वही अडानी को दे देंगे। सवाल, अगर विकास के लिए संसाधन चाहिए तो किसके कीमत पर विकास होना चाहिए, कौन किसका कीमत चुका रहा है, इन सब सवालों को अगर आप बात नहीं करेंगे। दूसरी बात जो है वो है आस्था की, जो बात आप कर रहे हैं आदिवासी अंचल में, अगर ये राज जो नंदराज पहाड़ की बात कर रहे हैं, पहाड़ के ऊपर अधिकार किसका है, पहाड़ सहेजना, पहाड़ बचाना भू माफिया के हाथ में, खनिज माफिया के हाथ में, वन माफिया को हाथ में अगर आप पहाड़ सौंप देंगे, छत्तीसगढ़ में 27% जो लैंड एरिया है वो पहाड़ों में घिरा हुआ है। इस पहाड़ों के ऊपर क्या होना चाहिए, पहाड़ का क्या विकास होना चाहिए, चाहे ये खनिज के दोहन के नाम पर हो, पर्यटन के नाम पे हो, भूमि माफिया के नाम पे हो, आपको इसको समीक्षा करना चाहिए। आज नियमगिरी के पड़ोस राज्यों में, उड़ीसा में नियमगिरी में जब इस तरह का घटना हुआ तो नियम राजा के राज चलता था, डोंगरी कांड आदिवासियों ने उसको रोका और खुद कांग्रेस की सरकार में ग्राम सभा के प्रस्ताव पर वापस गया। आज हम लगता है जो नंद राज की जो सवाल आदिवासियों लोगों ने उठा रहे हैं, जिस राज के उन्होंने बात कर रहा है देवताओं के इलाका, ये उनके तौर तरीके है अपना अभिव्यक्त करने के लिए, और इसके पहले भी ये घटना घटा है, इसलिए लोकतांत्रिक विरोध है, ये जो विरोध है वो लोकतांत्रिक विरोध है, संविधान के बचाने की विरोध है, देश को बचाने की विरोध है, इसलिए इस बार लोकतांत्रिक
तरीके के सोचना चाहिए, लोकतांत्रिक ढंग से इसको निर्णय होने की बात जरूरी है। आस्था की बात करना कहीं गलत नहीं है। सवाल यह है आदिवासी की आस्था अपना अभिव्यक्ति प्रकाश किया है। बिल्कुल, वो आदिवासी जन जंगल जमीन के लिए राज्य सरकार को केंद्र, बिल्कुल जाहिर है गौतम जी कि जिस तरह से उनके लिए काफी मायने रखता है वो, किसी एक ऐसी कंपनी के लिए कि दूर किसी विदेश में बैठा आदमी उसका लाभ ले रहा है जिसे सींचा गया है अपने खून पसीने से, जिस पहाड़ को या फिर जिस जगह को। एक तरह से अगर देखा जाए रामोतराज जी, जिस तरह से अभी ये मुद्दा उठा है तो जाहिर है इस पर सियासत भी होगी और यहाँ पर लोग आंदोलन भी करेंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से लोग उठ रहे हैं उस तरह से लग नहीं रहा कि यह मामला शांत होने वाला है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जहाँ कांग्रेस सरकार ये कहकर आई थी कि जंगल जंगल जमीन के लिए वो लड़ेंगे, आदिवासियों को उनका हक दिलाएंगे और दिलाया भी, बस्तर में ये वाक्य हुआ टाटा की जमीन वाला, लेकिन इस तरह से अगर इस पर बात करें अडानी ग्रुप की ये जमीन, क्या यहाँ पर क्या कांग्रेस सरकार के पास क्या क्या ऑप्शन है और ऑप्शन पे काम करके क्या ऐसे अडानी ग्रुप से जो लीज पर दी गई है कैसे लिया जा सकता है वापस, या इस पर किसी ऐसी प्रक्रिया के तहत काम करवा सकता है जिस पर दोनों ही संतुष्ट हैं? इसमें जो एनएमडीसी को ये पहले सारी प्रक्रिया लीज दी गई थी, एनएमडीसी केंद्र सरकार की संस्था है और एनएमडीसी जब कर रही थी तब तक कोई विरोध नहीं था, परंतु एनएमडीसी ने जब विज्ञापन निकालकर टेंडर निकालकर अन्य प्राइवेट कंपनियों को आमंत्रित करी और बाद में उसने अडानी को दे दिया। अडानी को देने के बाद ये विरोध के स्वर उठे हैं और इसमें कहीं न कहीं केंद्र सरकार की अनुमति के बाद ये प्रक्रिया की गई। उसी तरह राज्य सरकार ने भी, राज्य सरकार के दौरान चुनाव के बाद ये सवाल उठे थे कि कहीं न कहीं पर राज्य की कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार ने भी जिस गंभीरता से ध्यान देना चाहिए था और जिस मकसद से मजबूती से ध्यान देना था वो ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए ये स्थितियां उत्पन्न हुई है। देखिए जो बड़े कॉरपोरेट सेक्टर हैं वो एक मैनेज कर लेते हैं, मैनेज करने का एक उनका अपना तरीका होता है, तो हो सकता है कि इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार की सहमति में उस क्षेत्र के विकास के नाम पर इस पहाड़ को दिया गया हो, और अगर विकास के नाम पर, विकास के पैमाने के यहाँ पर और खनिज संसाधनों का सही उपयोग के नाम पर अगर ठेका दिया गया है तो अगर उसमें समीक्षा होनी चाहिए कि उन ग्रामीणों की भी बात सुनी जानी चाहिए। लोकतंत्र में उस जो आदिवासी हैं जो जंगल जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी बातों को सोचना चाहिए और सरकार को इसे एक नीति बनानी चाहिए कि हम जो है आदिवासी क्षेत्रों के जंगल के क्षेत्रों के पहाड़ के इलाकों के हम संसाधनों को आखिरकार कितना बेचेंगे, अगर आप बेचेंगे तो उसका एक दूसरा भरपाई कैसे होगा, क्योंकि आप जंगल को भरपाई करने का कोई सरकार के पास रोडमैप नहीं होता, कोई उसके काम की नीति नहीं होती है, तो दिनों दिन जो है जंगल क्षेत्र सिमट रहे हैं, प्रदूषण लगातार बढ़ रहे हैं और नियम प्रक्रियाओं की अनदेखी करके कुछ लोगों को इस तरह की देने की एक राजनीति में एक आदर्श ही बन गई है। तो इस चीजों को कहीं न कहीं पर ठहरा लानी होगी कि हम विकास के नाम पर कुछ चीजों को, हमें प्रकृति को हमारे संतुलन बनाए रखनी चाहिए, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखनी चाहिए, नहीं तो आज हम भीषण गर्मी की चपेट में जी रहे हैं, पानी गिर नहीं रहा है, हवा में निरंतर प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इस समाज में जो लोग हैं आखिर हम पैसा कितना कमाना चाहते हैं और किसके लिए कमाना चाहते हैं, एक समाज में जो जिस तरह से आबो हवा ठीक हो, जिस तरह की संस्कृति ठीक हो, ये सोचने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो कहीं न कहीं इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भूमिका है उसी पर वो आदिवासी ज्यादा सवाल उठा रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपने संस्कार उसको बचाए रखने के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह से गौतम जी, अगर इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, सरकार एक्शन नहीं लेती है, तो उसके बाद जो सामाजिक संगठन है, आप चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता है, तो पूछना बनता है आपसे कि जिस तरह से अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे किस तरह से आंदोलन किया जाएगा और आगे क्या कुछ स्टेप या क्या कुछ कदम आप उठाएंगे? देखिए इसको शासन के अपना रेस्पॉन्ड करना ही होगा,
अगर लोग अपने 55 गांव के लोग अपने गांव छोड़कर निकले हैं, लोगों ने अपने संवैधानिक अधिकार को लोकतांत्रिक तरीके से अपने विरोध अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो शासन अगर रेस्पॉन्ड नहीं करे तो शासन अलोकतांत्रिक साबित हो जाए। इसलिए शासन को, केंद्र शासन राज्य शासन दोनों को ही तत्काल इस पर रेस्पॉन्ड करना चाहिए। दूसरी, ये राज्य शासन को दूरगामी व्याध भी करनी चाहिए, जे ये तो एक टेस्ट है, ये प्रेसिडेंस है। हमको एक लंबी छत्तीसगढ़ को समृद्ध करना होगा, छत्तीसगढ़ में अगर खनिज आधारित उद्योग को आगे बढ़ाना होगा तो इनको पुराना चीजों पे समीक्षा करना होगा, जो पिछले 15 वर्षों से जो भाजपा सरकार ने किया है, कहाँ कहाँ क्या गलतियां हुआ है, उस गलतियों से सीखना होगा और आगे अपने रोड मैप तैयार करना होगा, जैसे रामावतार जी कह रहे थे। सवाल यह है, सरकार को तत्काल पहाड़ के एक नीति तय करना चाहिए कि खनिज के नीति के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ में 27% जो लैंड एरिया पहाड़ है उसको पुराना के समीक्षा करे, आगे पहाड़ को कैसे हम देखेंगे, कैसे हम बचाएंगे, ये बात भी करनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि रामोतार पेशा क्षेत्र के जी होने के कारण पेशा के लागू करना, पेशा को क्रियान्वयन करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, एक ऐसी नीति बनानी होगी कि अगर हम कुदरत से कुछ ले रहे हैं तो उसके बदले में उसे क्या दे रहे हैं, ये भी सोचना होगा। बिल्कुल, अगर जिस तरह से रामोतार जी, अगर इस तरह से चलता रहा, यह कहा जा रहा है कि आदिवासियों का भी कहना है कि लगभग उन्होंने सभी पहाड़ को खोखला कर दिया है अपने स्वार्थ के लिए, आयरन के लिए, लेकिन क्या अगर इसको भी इसी तरीके से निरंतर चलने दिया क्या, तो इसके दुष्परिणाम क्या क्या होंगे, क्योंकि उसके अभी से ही दुष्परिणाम नजर आने लग गए हैं। कहते हैं कि लाल पानी खेतों में पहुंच रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं और जो मवेशी हैं वो मर रहे हैं, एक तरह से इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो शुरू भी हो चुके हैं। अगर इस पर काम होता है तो एक कैसी भयावह स्थिति पैदा हो जाएगी? देखिए, जो आदिवासी क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए पेशा कानून है। उस कानून का जिस तरह से उल्लंघन हो रहा है, उन आदिवासियों के रक्षा के लिए, आदिवासियों की सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े भाषण होते हैं, बड़े बड़े नियम कानून बनते हैं, परंतु उसका धरातल में कहीं न कहीं उपयोग नहीं होता, इसलिए स्थितियां उत्पन्न होती है। आज पूरा बस्तर में, अकेले कुछ इलाकों में नहीं, पूरे बस्तर के पानी की समस्या है, पेयजल का संकट है, शुद्ध पानी नहीं है लोगों के पास, और उसके कारण उस इलाकों में बीमारियां बहुत लोगों को हैं। लगातार वहां मांग उठ रही है, जनप्रतिनिधि उठा रहे हैं, कोई कदम उठा नहीं है। शुद्ध पेयजल लगातार उस अगर जंगली इलाकों में, वन आच्छादित क्षेत्रों में नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये भी एक गंभीर समस्या का विषय है। उन क्षेत्रों के पानी को चेक कराने की जरूरत है, पानी शुद्ध कैसा आए उसकी नीति बनाने की जरूरत है। तो अगर ये सब नहीं होंगे तो ये जंगल क्षेत्र में अगर पेड़ कटते रहेंगे और खदानों को देंगे तो नक्सली जो है, अगर जो उस क्षेत्र में नक्सल पनपेगा, लोगों के असंतोष की स्थितियों में, ऐसे में अगर वहां पर आदिवासी अपने धर्म की, अपने सामाजिक सुरक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे आंदोलन को अगर सरकार समर्थन नहीं करेगी, सरकार समीक्षा नहीं करेगी, तभी ऐसी स्थितियों में नक्सलवाद वहां पनपेगा, नक्सलवादियों को पनपने का जगह मिलेगा और वो इसको आग में घी डालने का काम करेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा, वैसी स्थितियों में ये माना जाएगा कि नक्सलवाद के कारण ही जंगल बचे हैं, पहाड़ बचे हैं। तो अगर हमें उस चीजों को ध्यान देना पड़ेगा कि क्या वहां पर जंगल बचे रहेंगे, क्या वहां की संस्कृति बचे रहेगी और कैसे वहां पर समुचित तरीके से दोहन हो सकता है, कैसे वहां पर लोगों का विकास हो सकता है। अगर इस पैमाने में देखते हुए अगर वहां उद्योग आए, जैसे खाद्य प्रसंस्करण आए, वहां पर जो जंगल से वनोपज के फैक्ट्री हैं, वो आदिवासी इलाकों के आर्थिक स्थिति सुधरेंगी, वहां फायदा होगा। अन्यथा अगर वहां पर सिर्फ खनिज संसाधनों को निकाल निकाल कर बेचने से क्या क्या दुष्परिणाम आएंगे, किस तरह के दुष्परिणाम जो आएंगे, उसकी समीक्षा करनी होगी और उसको देखना होगा कि कैसे उसको सुरक्षा करते हुए वहां पर सही दोहन हो सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने रामोतार जी, एक कहा जा सकता है एक मानवता पर ही संकट पैदा हो जाएगा।